नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूँ दीपिका नयाल। आज ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की शादी है। दोनों 7 जन्मों के बंधन में बंधने वाले हैं। इससे पहले अंबानी हाउस यानी एंटिलिया को डेकोरेट किया गया है और वेन्यू से ताजा तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। जी हाँ, वेन्यू पर पहुंच चुका है अंबानी परिवार। यूं तो शादी अंबानी हाउस में ही है, लेकिन घर में ईशा और आनंद की शादी के लिए अलग वेन्यू बनाया गया है और वेन्यू तक पहुंचने के लिए घोड़े भी लाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ईशा के भाई घोड़े में सवार हैं और वेन्यू तक पहुंच रहे हैं। आगे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी हैं, जबकि बेटे घोड़े पर सवार हैं। इस दौरान आप देख सकते हैं कि ईशा के भाई पूरी तरीके से तैयार हैं अपनी बहन की शादी के लिए। खास बात यह है कि वेन्यू में जो घोड़े हैं वो खास नस्ल के हैं। सफेद और काले रंग के घोड़ों को वेन्यू पर बुलाया गया है, खास तौर पर ईशा और आनंद की शादी के लिए। भाई कुर्ते पजामे में हैं, आंखों में चश्मा लगाया है और हाथों में है घोड़े की लगाम। चेहरे की खुशी देखकर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि बहन की शादी की खुशी भाइयों को कितनी ज्यादा है। इस दौरान तस्वीरों में आप अंबानी हाउस की डेकोरेशन भी देख सकते हैं, जो देखते ही बनती है। साथ ही तस्वीरों में मनीष मल्होत्रा भी नजर आ रहे हैं, जो वेन्यू पर पहुंच चुके हैं। बहरहाल इंतजार है ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की शादी का, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि बॉलीवुड के सितारे आज ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की शादी में शिरकत कर सकते हैं। बहरहाल तो देखना ये भी होगा कि आज ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की शादी में कौन कौन से सितारे शिरकत करेंगे। वैसे प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस भी इंडिया पहुंच चुके हैं। जी हाँ, शॉर्ट ट्रिप के बाद आज प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ईशा अंबानी की शादी को अटेंड करेंगे। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।